पीसीएम क्लासेस के स्टूडियो पर आपका स्वागत है। ट्वेल्थ का जो यहाँ पर मैथ है उसमें 11 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्वेल्थ मैथ है, ध्यान रखिएगा। और 11 पार्ट पहले डिस्कस किए हैं, 12वां पार्ट है। और इसमें आज हम लोग 5 नंबर के जो क्वेश्चन उसको डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा चेक करने के लिए आपको दिया कि संतत है या असंतत है, कंटिन्यूटी है ना, चेक करने के लिए देगा कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी कभी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस चेक करने की बात करें ना, तो हम लोग 3 चीजें करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले आराम से इसको थ्योरी 5 मिनट समझ लीजिए। जब भी कभी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस संतत या असंतत चेक करने के लिए कहेगा, तो हम लोग इसमें 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है क्या, आरएचएल। सबसे पहले आरएचएल निकालना है, राइट हैंड लिमिट। याद है कि राइट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू समथिंग जो दिया रहेगा उस पर अगर 0 है तो 0 पॉजिटिव लिखेंगे, है ना। जिसपे अगर वो कह रहे हैं कि 0 पर संतत्ता चेक कीजिए तो 0 पॉजिटिव लिखते हैं। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना होगा, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं तो याद होगा आप लोग को, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर 0 पे चेक करने के लिए कहा है तब 0 निगेटिव। राइट हैंड में पॉजिटिव लिखते हैं, लेफ्ट हैंड में निगेटिव लिखते हैं। और इसके बाद लास्ट में एक आप छोटा सा वर्ड यूज कीजिएगा, एफ एक्स का मान निकालना है, मतलब उस दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान निकालना है। अच्छा, इसके बारे में आगे डिटेल में समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये दोनों के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका है, आप पीछे वाला वीडियो में बोले थे कि इसको देख लीजिएगा। तो जब भी कभी किसी दिए गए बिंदु पर संतत होने या संतत्ता चेक करने की बात करें ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएचएल, एलएचएल और एफएक्स निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि साइन एक्स का संतत्ता चेक कीजिए एक्स बराबर 0 पर। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या है आपको कि साइन एक्स का संतत्ता आपको चाहिए, है ना। साइन एक्स का संतत्ता चाहिए कहाँ, एक्स बराबर 0 पर। अच्छा ये बताइए, आपको पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं कि साइन और कोस हमेशा संतत होता है, तो ये बताइए साइन एक्स जो है एक्स बराबर 0 पर संतत या असंतत। आप कहेंगे ऑब्वियसली सर यहाँ पर तो संतत रहेगा, संतत हुआ कहा कि साइन और कोस हमेशा संतत होता है। अगर हमेशा संतत है तो एक्स बराबर 0 पे संतत रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में दे दिया जाए कि नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव में कहेगा तब ना कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संतत है, एक ऑप्शन साइन रहेगा तो साइन को टिक कर दीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आपको कह दिया जाए कि साइन एक्स का संतत्ता एक्स बराबर 0 पे चेक कीजिए, तब कैसे कीजिएगा। तो इस मतलब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आरएचएल निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, एलएचएल, इसके बाद एफएक्स निकाल लेना। तीनों से आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद यदि तीनों का मान बराबर आता, ध्यान रखिए यहाँ पर, देखिए निकालने के लिए जब बनाएंगे तब आपको रिटेल में समझ में आएगा। अभी केवल आप ये समझिए कि जब भी कभी किसी बिंदु पर, यहाँ देखिए यहाँ पर एक बिंदु आपको दिया गया है, हाँ यहाँ देखिए, जब भी कभी किसी बिंदु पर संतत्ता चेक करने के लिए कहेगा ना, ये कहा जाए कि एक्स बराबर 0 पर संतत्ता चेक कीजिए या किसी एक्स बराबर 1 पे संतत्ता चेक कीजिए, एक्स बराबर 2 पे संतत्ता चेक कीजिए। जब भी कभी किसी बिंदु पर संतत्ता चेक करने की बात करें, कंटिन्यूटी चेक करने की बात करें कि संतत है या असंतत, तो इसके लिए हम लोग 3 चीजें करते हैं। एक आरएचएल निकालते हैं, एक एलएचएल निकालते हैं, इसके बाद एफएक्स निकालते हैं। बात ध्यान रहेगी। अच्छा मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाता है कि फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए एफ एक्स बराबर एक फंक्शन दिया गया है, ये कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो सबसे पहले कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय हमेशा संतत होगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं इसको एक्स बराबर 2 पर संतत्ता चेक कीजिए, अच्छा ये बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 कौन सा फंक्शन है, बीजगणितीय, बीजगणितीय हमेशा संतत होता है, तो बताइए एक्स बराबर 2 पर संतत हुआ कि नहीं, तो ऑब्वियसली संतत रहेगा, है ना। यहाँ पर ये तो संतत आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये है बीजगणितीय फलन, और बीजगणितीय जो होता है जितना भी एलजेब्रिक फंक्शन होता है ऑल आर कंटिन्यूअस, है ना, जितना भी रियल नंबर है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर है संतत। तो ये बताइए एक्स बराबर 2 पर संतत क्या संतत, हमेशा संतत है, तो एक्स बराबर 2 पर भी संतत रहेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं इसको चेक करके 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए या 5 नंबर में कि इसको संतत्ता चेक करके बताइए, तब कैसे बताइएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप जानते हैं कि जितना भी बीजगणितीय फंक्शन होता है फलन होता है सबके सब संतत है, तो यहाँ एफएक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है संतत होगा, कहाँ एक्स बराबर 2, 3, 4 कुछ भी दे दिया जाए हर एक बिंदु पर संतत रहेगा। लेकिन हाँ इसको अगर 2 नंबर में कुछ दिया जाए तो फिर इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए 3 चीजें निकालना है, आरएचएल निकालिए, एलएचएल निकालिए, एफएक्स निकालिए, तीनों निकालो। और एक बात ध्यान रखिएगा, तीनों निकालने के बाद तीनों वाला वैल्यू बराबर होना चाहिए,
है ना। अगर मान लीजिए आर एच एल का मान 4 आता है और एल एच एल का भी मान 4 अगर आता है और एफ एक्स का भी मान 4 आता है, अगर तीनों का मान बराबर है तो दिया गया फंक्शन हमेशा संतत रहेगा, ध्यान रहेगा। तो ये बताइए पूछा जाए कि संततता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं इसमें करना है, सिंपली आर एच एल निकालिए, एल एच एल निकालिए, एफ एक्स निकालिए और यदि तीनों बराबर तो दिया गया फंक्शन उस दिए गए बिंदु पर संतत रहेगा। फंक्शन जो है इस दिए गए बिंदु पर जो भी 3, 4, 5 जो भी बिंदु देगा वहां पर संतत रहेगा। तो चलिए संततता के लिए थ्योरी आपको कुछ समझ में आया है, क्वेश्चन की जाए तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। जब भी कभी किसी बिंदु पर x बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर कुछ भी रहे, दिए गए बिंदु पर किसी फंक्शन का संतत्ता चेक करना हो तो चेक करने के लिए तीन चीजें निकालते हैं। पहला निकालते हैं क्या, आर एच एल, सेकेंड एल एच एल, तीसरा में एफ एक्स, अगर तीनों बराबर तो संतत रहेगा। ठीक है तो चलिए स्टार मार्क दे के इसमें जल्दी से लिख लीजिए, स्टार मार्क दीजिए, लिखिए किसी दिए गए बिंदु पर, किसी दिए गए बिंदु पर संततता चेक करने का, संततता जांच करने का तरीका, संततता जांच करने का तरीका, किसी दिए गए बिंदु पर संतत्ता जांच करने का तरीका हो गया। चलिए हो जाती है, बताइए संतत्ता जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो तीन चीजें निकालते हैं। नीचे डेस्क पे लिखिए, इसमें लिखना है, लिखिए किसी दिए गए बिंदु पर संतत्ता जांच करने के लिए, किसी दिए गए बिंदु पर संतत्ता जांच करने के लिए, किसी दिए गए बिंदु पर संतत्ता जांच करने के लिए निम्नलिखित, निम्नलिखित तीन चीजें ज्ञात किया जाता है, निम्नलिखित तीन चीजें ज्ञात किया जाता है, निम्नलिखित तीन चीजें ज्ञात किया जाता है, हो गया। अब निम्नलिखित तीन चीजें में क्या क्या है ये देख लीजिए, निम्नलिखित तीन चीजें ज्ञात किया जाता है जिसमें क्या क्या रहेगा, आप ऐसे लिखिएगा, सबसे पहले आर एच एल है ना, कॉमा देके एल एच एल एवं एफ एक्स, तीन चीजें हो गया, आर एच एल है, एल एच एल है, एफ एक्स है, तीन चीजें आपको चाहिए, एक चाहिए आपको आर एच एल, एक चाहिए एल एच एल, एक चाहिए एफ एक्स, इसको लिख लीजिए आर एच एल कॉमा देके एल एच एल, इसके बाद लिखिए एफ एक्स, चलिए अगर हो जाए तो यहां देखिए यदि नीचे लिखते हैं, यदि आर एच एल बराबर एल एच एल अब बराबर एफ एक्स, यदि तीनों बराबर रहे, लिख लीजिए आर एच एल बीच में बराबर का चिन्ह देना है, बराबर एल एच एल अब बराबर में लिख देना है एफ एक्स, यदि तीनों बराबर है आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू एफ एक्स, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफ एक्स, तो दिया गया फलन संतत होता है, तो दिया गया फलन संतत होता है, दिया गया फलन संतत होता है। चलिए हो गया, तब इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं कि जब भी कभी संतत्ता चेक करना हो तो पहले आर एच एल, एल एच एल, एफ एक्स तीनों निकाल लीजिए, अगर तीनों बराबर हुआ तो संतत हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर, इस पे देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो संतत्ता में फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, लास्ट थ्योरी है, इसी पे जितना प्रैक्टिस कीजिए, पूरा किताब इसी के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए समझिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहां पर एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, आप 4 लिए थे तो 4 लेते हैं, और एक्स बराबर 2 पर संतत्ता चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर आपको ये बताना है कि संतत है या असंतत, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स बराबर 2 पर संतत्ता जांच करें, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन ऐसे है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स बराबर 2 पर संतत्ता जांच करें, एक्स बराबर 2 पर संतत्ता जांच करें, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो इसका थोड़ा समझ लीजिए, ये बताइए जब भी कभी कोई क्वेश्चन में बिंदु आ जाए ना कि इस बिंदु पर संतत्ता जांच कीजिए, जब भी ये वाला पॉइंट आपको एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 4 पर, एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 0 पे ऐसा, तो आपको तीन चीजें निकालनी है, क्या क्या निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, आर एच एल, ध्यान दीजिए, हमारे
सबसे पहले आप आरएचएल निकाल लीजिए। कैसे लिखिएगा? तो आरएचएल में लिमिट x टेंस टू कितना पर? तो दो पर। तब जब को पता है कि टू पॉजिटिव लिखेंगे, जब आरएचएल लिखते हैं तब पॉजिटिव यहां पर साइन दिया जाता है, याद है? चलिए पीछे काफी मतलब बहुत वीडियो में इसको डिस्कस किया है। तो लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव लिखे हैं, एफ एक्स के स्थान पर फंक्शन क्या दिया है उसको लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिया, इसको लिख लिए हैं। अब इसको सोल्व कीजिए, इसमें जहां जहां एक्स है वहां टू लिखने के लिए बोले थे, टू पॉजिटिव नहीं लिखना केवल टू लिखिए। तो एक्स के स्थान पर दो है, दो का स्क्वायर प्लस चार, दो का स्क्वायर चार है, अब प्लस चार था, चार अचार कितना? आठ। ये क्लियर है? आरएचएल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आरएचएल कंप्लीट हो गया होगा। अब आइए, अगर आरएचएल हो गया तो इसके बाद क्या निकालेंगे? एलएचएल। अच्छा, एलएचएल आप कैसे निकालिएगा? तो देख लीजिए एलएचएल, तो एलएचएल में सेम चीज वाला लिखते हैं, खाली यहाँ टू निगेटिव कर देना है। तो बताइए क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू टू निगेटिव है ना, यहाँ टू पॉजिटिव है आरएचएल में, एलएचएल में क्या करेंगे? टू निगेटिव। अच्छा, टू निगेटिव हो गया, इसके बाद बताइए फंक्शन के स्थान पे क्या दिया है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस फोर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर रख दिए हैं। अच्छा, अब बताइए क्या कीजिएगा आप? इसमें जहां जहां एक्स है, इस एक्स के स्थान पर रखना कितना है? दो। तो रख दीजिए, यहाँ पर दो रखिए, तो दो का स्क्वायर प्लस चार, यहाँ एक्स है तो एक्स के स्थान पर टू रखिए, टू का स्क्वायर प्लस फोर, दो का स्क्वायर कितना है? चार। अब पहले से भी कितना है? चार था, चार अचार यहाँ पर देखिए, दोनों लगता मिल रहा है अभी, है ना? सब सेम आवेगा तो वही संतत होगा। तो दो चीजें हो गया है जो पहले से आप लोग जानते हैं, आर एच एल एल एच निकालने के लिए पहले से आप जानते थे। अच्छा, एक नया चीज यहाँ पर आया, देख लीजिए क्या है नया चीज, एफ एक्स है, इसको कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से समझिए। एफ एक्स निकालने का तरीका समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। दो चीजें आप पहले से जानते हैं, ये तीसरी चीज है जिसको आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स जब भी आपको कभी निकालने की बात करें ना, तो ध्यान दीजिए एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, जो देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया, वहां देखिए क्या दिल है एफ एक्स बराबर, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? फोर। तो इसको लिख लीजिए पहले, क्लियर है चीजें? अब आइए, अब एफ एक्स का मान निकालना है, मतलब यहां पर आपको निकालना है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखिएगा इस एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिल रहेगा, है ना? एफ एक्स का आपको मान चाहिए, लेकिन एफ एक्स का मान इसको निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सजेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ देगा। तो बताइए एक्स के स्थान पे कितना है? दो। तो इसमें जहां जहां एक्स है वहां दो रख दिए, दो रखे तो दो का स्क्वायर प्लस चार, ये बताइए दो का स्क्वायर चार हुआ प्लस चार, चार चार आठ। अब ये बताइए तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं? यहाँ तीनों वैल्यू सेम है, तो जब तीनों वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या हो गया जी बताइए? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया, ए वाला फंक्शन, ए दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो है एक्स बराबर टू पर संतत हो जाएगा, है ना? ये कंटिन्यूअस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स बराबर दो पर जो है ये संतत रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। चीजें क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, तो इतना पहले लिख लेना है। इसके बाद देखिए जब इतना कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद नीचे लिखेंगे कि यहां नीचे लिखना पड़ेगा आपको, जब ये कंप्लीट हो जाए ना तो नीचे लिखिएगा कि यहां ऐसे करके लिखेंगे आरएचएल बराबर एलएचएल अब बराबर एफ एक्स, ऐसे लिख देना है आपको, तीनों को सेम करना है। आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ एक्स, तीनों को ऐसे लिखना है। आरएचएल इज इक्वल टू, देखिए तीनों बराबर आया है, जितना मान आरएचएल का है उतना ही एलएचएल का है उतना ही एफ एक्स का है। तो नीचे क्या लिख देंगे? नीचे ये लिख देना है कि यहां आरएचएल इज इक्वल टू एलएचएल इज इक्वल टू एफ एक्स, तीनों को ऐसे बराबर लिख देना है, तीनों यहां बराबर है। अतः नीचे लिखना अतः अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन मतलब इसके बारे में कह रहे हैं, अतः नीचे लिखना अतः दिया गया फलन एक्स बराबर टू पर संतत होगा, अतः दिया गया फलन एक्स बराबर टू पर संतत होगा, अतः दिया गया फलन एक्स बराबर टू पर संतत होगा। समझ में आया है एक क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो समझिए कि आपका है ना कंटिन्यूटी खत्म हो चुका है, इसमें कुछ रहा नहीं है। इसी पे जितना आपको प्रैक्टिस करना है कीजिए, पूरा किताब में ही आपको भरा हुआ मिलेगा, है ना? पॉइंट ऐसे दे देता है संतता चेक करने के लिए, एकदम आसान सा चीज है। आप आरएचएल निकालो, एलएचएल निकालो, एफ एक्स निकालो, देखिए अगर तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर तो लिख दें कि यहाँ आरएचएल बराबर एलएचएल बराबर एफ एक्स, तीनों बराबर है। अतः ये दिया गया जो फंक्शन है एक्स बराबर टू पर संतत है, आप पहले से भी जानते हैं, ये समझिए कि बीजगणितीय फलन है, और बीजगणितीय फलन एक पर क्या, दो तीन चार, मतलब यहाँ दो पर क्या, तीन चार पांच, कुछ भी अगर ऐसा वैल्यू रहेगा ना प्रत्येक पर संतत होता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन को कहा जाए कि आप यहाँ पर क्या कीजिए कि एक्स बराबर तीन पे संतत्ता जाए, चेक करके बताइए, तीन पर संतत्ता आपको चेक करना है,
यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ तीन पेज को संतता आपको जांच करना है कि संतत है असंतत है, चेक हो जाएगा। तो चलिए अगर यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो क्या कीजिए कि x बराबर 3 पर जल्दी से निकाल के देखिए, वीडियो को रोकिए और रोक के x बराबर 3 पर संतता जांच करके देखिए क्या आता है। चलिए अगर सोल्व हो गया तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आरएचएल निकालेंगे। तीन पर इस बार सोल्व करना है तो निकालिए, तो अगर तीन पे निकालिएगा तो बताइए आरएचएल कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव पे लिख देंगे, और जैसे लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव लिखे हैं, इसके बाद जैसे है उसे लिखे। अब बताइए क्या कीजिएगा, इसमें जहां जहां x है कितना पुट करेंगे, 3 तक पुट कर दिए बराबर लिख के, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 गो 4 गो 13 गो यहाँ पर आ गया, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आर एच एल निकल गया है। फिर क्या निकालेंगे, एल एच एल कैसे लिखिएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव, सेम चीजें हैं जैसे पहले हम लिख रहे थे ना, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको लिखना है। एल एच एल कैसे लिखिएगा, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव, है ना, यहाँ देखिए 3 पे चेक करना था 3 निगेटिव लिख दिए हैं, और जैसे फंक्शन आपको दिया है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4 यहाँ लिख दीजिए। अब जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट करेंगे, हम देख लीजिए जहां जहां एक्स है एक्स का सामने 3 पुट कीजिए, तो 3 पुट कीजिए तो क्या आएगा, चलिए जैसे देखिए यहाँ 3 पुट करें, x का स्थान पे 3 पुट करो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4, 9 गुआ 4 गो 13 गो, तारे चले ले चल दोनों बराबर आया है, लेकिन इतना सा आपको काम चलेगा नहीं, आपको लास्ट में एफएक्स भी निकालना होता है, ये पता है आपको। तो जब एफएक्स निकालने जाइएगा तो एफएक्स बराबर क्या दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, और एफएक्स निकालने के लिए एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू दिल रहा था, 3 दिया है, यहाँ रख दीजिए 3, तो आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर होता 9 प्लस 4, 9 4 13, यहाँ पर भी आया, मतलब तीनों बराबर है, देख लीजिए तीनों बराबर। जब भी आप सोल्व कीजिएगा इस तरह से आपको सोल्व करते चल जाना, 3 चीजें निकालना है, आर एच एल निकालिए, एल एच एल निकालिए, एफएक्स निकालिए, तीनों निकालते जाइए और देखिए कि तीनों बराबर है कि नहीं। जब यहाँ तीनों बराबर आ गया है तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिख देना है कि यहाँ नीचे लिखना है, अगर इतना हो जाए तो इसके बाद नीचे लिख देना है कि यहाँ करके आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफएक्स, इस तरह से लिख देना आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर एफएक्स, अतः नीचे फिर लिखना अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन एक्स बराबर 3 पर संतत होगा, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत होगा, दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत होगा। चलिए क्लियर है, क्या करते हैं कि यहां इस पे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, उसको आराम से घर पे बनाइएगा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई बिंदु जब भी आपको दिया रहेगा ना और संतता चेक करना होता, 3 चीजें आर एच एल एल एच एल एफएक्स तीनों निकालते हैं, अगर तीनों बराबर हो गया तो संतत, बराबर नहीं रहेगा तो संतत नहीं होगा, क्लियर है। चलिए तो इस पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको घर से बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला है, फर्स्ट में देखिए फंक्शन आपको लिखा गया है x प्लस 4 और निकालना कहाँ है, तो x बराबर 0 पर। चलिए सेकेंड संतता चेक करना है सबका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, चेक कहाँ करना है, तो x बराबर 0 पर, जहां x रहेगा x का स्थान पे 0 रखना है। अगेन थर्ड में देख लीजिए, एफ एक्स बराबर एक्स डिवाइडेड बाय समथिंग है x प्लस 4, चेक कहाँ करना है, तो x बराबर 1 पर। चलिए चौथा है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 6 है, x बराबर 0 पर चेक करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 x बराबर 2 पर चेक करना है। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, इसमें संतता आपको चेक करना है, दिया गया जो भी पॉइंट दिया इस पे संतता चेक करना, प्रत्येक में क्या करेंगे आरे चले रे चले फिक्स निकाल लेंगे, तीनों बराबर हुआ तो संतत, बराबर नहीं रहेगा तो संतत नहीं रहेगा।
इसको रहने देते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। इसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए।